नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। चलिए आइए एक नजर डालते हैं आज के इस बुलेटिन पर। नामांकन करने पहुंची जिला पंचायत पद की उम्मीदवार महिलाएं। यूपी के प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में तृतीय पंचायत चुनाव नामांकन के दूसरे और आखिरी दिन महिलाओं का तांता लगा रहा। बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन था, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला, जिसमें सांगीपुर चतुर्थ से ममता सिंह और तृतीय से भानुमती सिंह ने आज नामांकन किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं, उनको चुनाव जीत जाने के बाद पूरा करने का प्रयास करेंगी। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की ये रिपोर्ट। किस पार्टी से लड़ रहे हैं? तो आपके मुद्दे क्या होंगे? मेरा मुद्दा है कि हम सब पूरे जनता का विकास करेंगे। शौचालय है, कॉलोनी है, पानी है, बिजली है, हम सब महिलाएं के पूरा हम सहयोग करेंगे। एक महिला होने के नाते लोगों की चीज पे जाती होंगी, तुमको किस तरीके से समझाती होंगी हमें वोट करिए, किस स्तर से उनसे बातचीत होती है? करते हैं कि हम आप सब लोग की सारी सुख सुविधाएं देंगे, तो जितना मुझसे हो सकेगा। आपके क्षेत्र में क्या क्या ऐसा है जो कि अभी कमियां हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप? अभी तो बहुत कुछ कमियां हैं, तो जो कमियां हैं उसको हम पूरा करना चाहते हैं। क्या आप चुनाव जीत जाएंगी तो जो भी कमियां हैं हम पूरा करेंगे। क्या नाम है आपका? भानुमती सिंह। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का, क्योंकि आप महिलाएं हैं, एक लोगों के बीच में जाना बड़ा विकास का कष्ट होता है, तो किस तरीके से कन्वेंशन करते हैं आप? क्षेत्र का विकास करें, बिजली है, पानी है, सड़क है, शौचालय है। क्या नाम है आपका?